तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट के बीच में। तो मास का जो पहला पॉइंट है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज मास। जो मास होता है, जो क्वांटिटी होती है मैटर की, वह कंटेन करता है बॉडी के रूप में, वह कहलाता है मास। वेट, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो वेट होता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो कि एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो ऐड करता है बॉडी के ऊपर बाय अ सेलेशियल बॉडी, सेलेशियल बॉडी के रूप में। जो SI यूनिट होती है मास की, में होती है किलोग्राम, और जो वेट की SI यूनिट होती है न्यूटन। नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज डिटरमाइंड बाय अ ऑर्डिनरी बैलेंस। जो मास होता है वह डिटरमाइन करता है ऑर्डिनरी बैलेंस को, बट वेट डिटरमाइन बाय स्प्रिंग बैलेंस। जो वेट होता है वह डिटरमाइन करता है स्प्रिंग बैलेंस को। मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। जो मास होता है बॉडी का वह जीरो नहीं होता है। वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो इन आउटर स्पेस। जो वेट होता है बॉडी का वह जीरो हो जाता है स्पेस में जाकर। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज द इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सी सिक्स्थ पॉइंट, मास इज द मेजर ऑफ इनिशिया। जो मास होता है वो मेजर करता है इनिशिया को, पर वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स, और जो वेट होता है वह मेजर करता है फोर्स को। नाउ सेवन्थ पॉइंट, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नाउ एट्थ पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी। मास जो है वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं होता है, बट वेट इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, पर वेट होता है वह ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। नाउ नाइन्थ पॉइंट, इट इज डोनेटेड बाय एम। जो मास होता है वह डोनेटेड होता है एम से। इट इज डोनेटेड बाय डब्ल्यू, और जो वेट होता है वह डोनेट होता है डब्ल्यू से। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हम आपको इसी तरह वीडियो लाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें सपोर्ट करें। थैंक्स।